दोस्तों, जैसा कि हम डेली आपके बीच भोजपुरी से रिलेटेड खबरों का अपडेट देते रहते हैं, उसी तरह आज हम फिर से एक बार आपके लिए लेकर आए हैं एक नई खबर, और वो है भोजपुरी के उभरते गायक धनंजय धड़कन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि धनंजय धड़कन के साथ ऐसा क्या हुआ और क्या बोल रहे हैं भोजपुरी की सुपरस्टार पवन सिंह उनके समर्थन में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन भी दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं धनंजय धड़कन के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनंजय धड़कन के साथ हुआ है बहुत ही गलत, जिसे धनंजय धड़कन ने खुद यूट्यूब पर लाइव किया है। उन्होंने कहा है कि वे जिसके लिए दिन रात मेहनत करते थे, उन्हीं लोगों ने उनके साथ धोखेबाजी किया है। उन्होंने लाइव आकर ये भी कहा है कि उन्हें केवल 8,000 रुपए मिलते थे, जबकि वे महीने में 30 गाने उनके लिए गाते थे और दिन रात मेहनत करते थे। आपको बता दें कि धनंजय धड़कन के इस बयान को देखते हुए भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने कहा कि ये सब बिल्कुल गलत काम है, किसी भी इंसान के साथ ना इंसाफी नहीं करना चाहिए। जब कोई सिंगर आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है तो फिर आप उसके साथ गलत क्यों कर रहे हैं। पवन सिंह ने ये भी कहा है कि ऐसा हमारे इस इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, और यह इंडस्ट्री सभी कलाकारों की वजह से ही आगे बढ़ रहा है, और इसे आगे बढ़ाने में हर किसी को मदद करना चाहिए, हर किसी को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। इस इंडस्ट्री के सभी कलाकार आपस में भाई भाई हैं, तो फिर क्यों एक भाई दूसरे भाई के साथ गलत करते हैं और गलत होने देते हैं। इसलिए हम सभी कलाकारों से एक ही बात कहेंगे कि सभी एक दूसरे का साथ दे और एकजुट होकर इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। हालांकि इस बात के लिए पवन सिंह ने कोई ऑफिशियल खबरें जारी नहीं की है, उनकी इस बात की पुष्टि उनके फैन पेज के जरिए शेयर किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं।